بسم الله الرحمن الرحيم। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी तो दोस्तों, क्या चाल ठीक ठाक है जनाब? आज का जो हमारा टॉपिक है, ये मादी जो अंडों से रुकी हुई है उनके हवाले से है। बहुत ज़्यादा जो ना दोस्त इस बात से परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी मादियाँ जो ना अंडों पर नहीं आ रही। कुछ दोस्तों के इतराज़ होते हैं, डॉक्टर साहब हमारी मादियाँ अंडों पर तो आई जोड़ी बनी हुई है लेकिन अंडे दे नहीं रही। कुछ रब्ता करते हैं, डॉक्टर साहब बैठती है बैठ के उठ जाती है, बैठती है बैठ के उठ जाती है। तो इंशाल्लाह ताला हम ये दो तीन जो टॉपिक है एक ही इंशाल्लाह ताला उसके साथ एक ही वीडियो के अंदर इसको कवर करेंगे। तो जनाब, ऐसे दोस्त जिनकी मादियों के साथ ये इशू आ रहा है, या तो वो अंडों से रुकी हुई हैं या जोड़ियाँ बनी हुई हैं लेकिन अंडे नहीं दे रही, या वो बैठ के उठ जाती हैं, तो आपने करना क्या है? बहुत ही सादा सा नुस्खा बयान करने लगा और बहुत ही लाजवाब है। इंशाल्लाह ताला जो भी इस्तेमाल करेंगे याद करेंगे। करना आपने यह है जनाब, एक तो आपको पंसार स्टोर से मिलेगी आंबा हल्दी, आंबा हल्दी, ठीक हो गया। और दूसरा ये जो सीमेंट वाली दुकान से आपको सीमेंट मिल जाएगा, वो थोड़ा सा आपने खुला सीमेंट ले लेना है। और उसको आपने क्या करना है कि आंबा हल्दी जो है वो आपने चुटकी भर के, मोटी चुटकी भर के जो है ना वो आपने डाल लेनी है, पीस लेना, पाउडर कर लेना उसका। और जो होती है सीमेंट जो होता है उसकी छोटी चुटकी जो है ना सीमेंट की, आटे के अंदर मिक्स करके उसकी गोली बना के सुबह शाम देनी है आपने। ये आपने कम से कम 10 दिन लगातार देनी, कम से कम लेकिन 10 से 15 दिन आपने मतवातर ये अमल करना है। और अगर आंबा हल्दी आपको नहीं मिलती तो ये फिर आप जो घर में जो खाने के अंदर हल्दी इस्तेमाल होती है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जो आंबा हल्दी है वो मिल जाए। बासा नहीं मिल जाएगी, प्रसाद सोच आपको मिल जाएगी, उसको घर के लिए घर में ले कर आएँ और उसको पीस लें और बिल्कुल जो है ना वो आसानी के साथ जो है ना उसका पाउडर हो जाता है। कोशिश तो करें वहीं लें, लेकिन अगर वो नहीं अवेलेबल होती तो फिर आप घर की हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपने सुबह शाम इस्तेमाल करवानी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपने मोटी चुटकी जो है हल्दी की और छोटी चुटकी जो है ना, मोटी चुटकी तुम्हारा ये तीन उंगलियों की, ठीक है, और छोटी चुटकी ये दो की, ये आपने आटा ले लेना, उसके अंदर मिक्स करके जो है ना आपने उसको गोली बना के दे देनी। चाहे आटे के अंदर मिक्स करके दे सकते हैं, अगर नहीं दे सकते तो फिर कैप्सूल भर लें फुल साइज के, फिर भी दे सकते, बात सर जिस तरह आपको ईजी लगे, लेकिन खिलानी है बस, बात ख़त्म। तो ये इस्तेमाल करवाएं, ये कम से कम आप 15 दिन दें, इंशाल्लाह ताला 15 दिन के अंदर अंदर मादियाँ अंडा स्टार्ट कर देंगी। और जो मादियाँ अंडे दे तो रही हैं लेकिन कच्चे अंडे देती हैं, आप उसको भी इस्तेमाल करो, इंशाल्लाह पहली ही डोज़ के साथ वो अंडे ठीक हो जाएंगे उसके, वो कच्चे अंडे देना बंद कर देगी पहले ही डोज के साथ। लेकिन आप कम से कम एक वीक उसको भी लाजमी इस्तेमाल करवाएँ। और दुआ में याद रखा करें, इजाज़त दें जनाब, अल्लाह।